नमस्कार साथियों, मैं अपने इस YouTube चैनल पर पुनः आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बचपन की कहानियां श्रृंखला के अंतर्गत अब मैं आप लोगों के समक्ष प्रेमचंद्र जी की ख्याति प्राप्त और प्रमुख कहानियों को लेकर आऊंगा। उसके प्रथम कड़ी के रूप में आज मैं जो कहानी आपके समक्ष अपने शब्दों में रखने जा रहा हूँ, वे प्रेमचंद्र जी की प्रमुख और प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, जिससे हम लोगों की बहुत बड़ी सीख मिलती है। इस कहानी का नाम है पंच परमेश्वर। जी हाँ दोस्तों, पंच परमेश्वर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रेमचंद्र जी को कलम का सिपाही कहा जाता था, जो कि कहानी लिखने में सिद्धस्थ थे। और इनकी कहानी की विशेषता यह है दोस्तों कि बिल्कुल सजीव चित्रण होता था और कालजयी कहानियाँ ये लिखने में माहिर थे। प्रेमचंद्र जी की कहानी मानसरोवर के 8 भागों में संग्रहित की गई है। उनमें से आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ अपने शब्दों में, वे इनमें से एक है। तो लीजिए, आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है पंच परमेश्वर। मित्रों, पंच परमेश्वर कहानी की एक विशेषता यह भी है कि यह पवित्र मित्रता को तो दर्शाती है, साथ ही यह ईमान की बात करती है, न्याय की बात करती है, पंच की बात करती है। अर्थात इसका मूल उद्देश्य यही है, कहानी का भी शीर्षक यही है कि पंच में परमेश्वर वास करते हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष प्रेमचंद्र जी की बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था, एक दूसरे पर अटल विश्वास था। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला, मतलब खाला को मौसी कहा जाता है, थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत, मतलब कुछ इसमें उर्दू शब्दों का भी समावेश किया गया है, जमीन जायदाद से है। मिल्कियत मतलब जमीन जायदाद से है, तो मिल्कियत थी, परंतु उसका कोई नहीं था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। पहले तो खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया, पर बाद में वह बात नहीं रही। अब बेचारी को प्रायः नित्य ऐसी बातें सुनने पड़ती थी, बुढ़िया ना जाने कब तक जिएगी, जितना रुपया उसके पेट में झोंक चुके उतने से तो अब तक इस गांव मोल ले लेते। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, जब ना सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की और पंचायत करने की धमकी दी। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूं यहां कि पहले के जमाने में पंचायत ही न्याय व्यवस्था की कड़ी होती थी और आपसी मतभेद को पंचायत स्तर पर ही निपटा दिया जाता था। मतलब प्राचीन काल का ये न्यायालय हुआ करता था। जुम्मन बोले, हाँ जरूर पंचायत करो, मुझे भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह नहीं था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो उनका सामना कर सके। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही, कमर झुककर कमान हो गई थी। एक एक पग चलना दूभर था, मगर बात आ पड़ी थी। चारों ओर घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आ गई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में आना। अलगू, मुझे बुलाकर क्या करोगी। खाला, क्यों बेटा। अलगू, अब इसका क्या जवाब दूं,
अपनी खुशी, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला ने कहा, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? अलगू इस सवाल का कोई उत्तर ना दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। मित्रों, यही प्रेमचंद्र जी की विशेषता थी कि उन्होंने अच्छे अच्छे विशेषणों का भी प्रयोग किया है। विशेषण और विशेष शब्द ही ऐसी कहानी को मजेदार और आकर्षक बनाते हैं। तो आगे कहानी इस प्रकार से आगे बढ़ती है। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। पहले के जमाने में इसी प्रकार की पंचायतें होती थी, कोई भवन वगैरह नहीं होता था और एक बरगद के पेड़ के नीचे सभी इकट्ठे होते थे। फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई। निमंत्रित महाशयों में से केवल वे ही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपने कुछ कसर निकालनी थी। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो आज 3 साल हुए मैंने अपनी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने मुझे तायात रोटी कपड़ा देना कबूल किया। मुझे न पेट को रोटी मिलती है और न तन को कपड़ा। कचहरी दरबार नहीं कर सकती हूं, तुम्हारे सिवा और किसे अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूंगी। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र बोले, जुम्मन मियां किसे पंच बनाते हो? जुम्मन बोले, खाला जान जिसे चाहे उसे बनाए। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? जुम्मन ने क्रोध से कहा, अब इस वक्त मेरा मुंह ना खुलवाओ, तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बनाओ। तो पहले के जमाने में क्या होता था मित्रों कि एक न्यायाधीश जिसको पंच कहा जाता था वो बनाना पड़ता था, सरपंच माना जा सकता है। तो खालाजान जुम्मन से बोली, बेटा खुदा से डरो, पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन, और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच बनती हूं। जुम्मन मन ही मन खुश हुआ। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि बाजी मेरी है। वह बोले, पंचो खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी मां के समान समझता हूं। खाला जान मुझसे माहवार खर्च मांगती है, जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं है। इससे इतना मुनाफा नहीं होता कि मैं माहवार खर्च दे सकूं। बस मुझे यही कहना है, जो फैसला चाहे करे। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, वह पूरी कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। जुम्मन चकित थे कि अलगू को यह क्या हो गया है, मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है, क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम नहीं आएगी? अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन से एक पंचों ने इस मामले पर विचार किया, खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके, बस यही हमारा फैसला है। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया, मगर अन्य पंच अलगू की प्रशंसा जी खोल कर कर रहे थे। इसका नाम पंचायत है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। जुम्मन को हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कर्मों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। जुम्मन को बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। अब कहानी का दूसरा पार्ट आता है। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। पंचायत के एक ही महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का?
यह सलाह ठहरी की इसे बेच देना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे, वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव से गुड़ घी लादकर मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते। उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटके 3 खेप हों। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगेदने। वह दिन में 3-3, 4-4 खेपे करने लगे। ना चारे की फिक्र थी ना पानी की, बस खेपों से काम था, खेपों के खेपों। बेचारा जानवर महीने भर में ही पिस्सा गया, हड्डियां निकल आई थी, पर था पानीदार, मार बर्दाश्त ना थी। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लादा। दिन भर का थका जानवर पैर ना उठते थे, उस पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बैल कलेजा तोड़कर चला, पर शक्ति ने जवाब दे दिया। वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। साहू जी मारे क्रोध के कोसने लगे, अभागे तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मरता, अब गाड़ी कौन खींचे? गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे, अत एव छोड़कर जा भी नहीं सकते थे, वहीं रदजगा करने की ठान ली। अपनी जान में तो वह जागते ही रहे, पर पाँव फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब, कई कनस्तर तेल भी नदारत। अफसोस के मारे बेचारे ने सिर पीट लिया। प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुंचे। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलकू जब अपने बैल के दाम मांगते तब साहू और सहुआइन अंड बंड बकने लगते, वाह यहां तो सारे जन्म की कमाई लूट गई, इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले। इस तरह फटकारे सुनकर बेचारे चौधरी अपना समूह लेकर लौट आते, परंतु 150 रुपयों से हाथ धो लेना आसान न था। मित्रों उस समय 150 रुपया बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। एक बार वह भी गर्म हो पड़े, प्रश्नोत्तर होते होते हाथापाई की नौबत आ पहुंची। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस जमा हो गए। वह परामर्श देने लगे कि इस तरह सिर फुटौल से काम ना चलेगा, पंचायत कर लो। साहू जी राजी हो गए, अलगू ने भी हामी भर दी। अब पंचायत की तैयारी होने लगी। तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी, वही संध्या का समय। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्यों है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। संजू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा। रामधन अलगू के मित्र थे, वह बात ताड़ गए। पूछा, क्यों चौधरी तुम्हें कोई उज्र तो नहीं? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं मुझे क्या उज्र होगी। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के आसन पर बैठा हूं, मुझे सत्य से जौ भर टलना उचित नहीं। पंचों ने दोनों पक्षों से जवाब सवाल शुरू करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त बैल लिया था उसे कोई बीमारी ना थी, अगर उसी समय दाम दिया जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह ना करते। झगड़ू साहू ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है, कब रियायत करे तो उनकी भलमनसाही है। अलगू चौधरी फूले ना समाए,
उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय। प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति की सराहना करता रहा। इसे कहते हैं भैया न्याय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर व्यास करते हैं। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए, उनके गले लिपटकर बोले, भैया आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों की मैल धुल गई। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी गई। पंच परमेश्वर की जय। तो जी हाँ दोस्तों, यह वह कहानी है जिसको प्रेमचंद्र जी ने बहुत ही खूबसूरत लहजे में, बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखा था। और वास्तव में यही सही है कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है। जय हिंद, जय भारत।